हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआर सबके शॉर्ट। केआर सबके शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर इंटरव्यू 2016 के लिए एक डिमांडिंग वीडियो है ये। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि पोस्ट प्रेफरेंस देने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो देखो, इतनी दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर जगह जो है, हर विभाग में बहुत ज़्यादा पद है नहीं इसमें। तो फिर भी, लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। इस तरह से आप लोग अपनी वरीयता दे लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर और कोई बच्चा जो है किसी और तरीके से अपनी वरीयता देना चाहता है तो वो वरीयता दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, देख लेते हैं कि किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस देना है आपको। तो पहला दिया हुआ है आपको प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश। सीट है यहाँ पे 242, यानी पदों की संख्या है 242। सेकंड है आपका निदेशक प्रावधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हेतु 71 पोस्ट है। निदेशक प्रशिक्षण विभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश काला कांकर भवन लखनऊ एक पोस्ट है यहाँ पे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड लखनऊ यहाँ पर दो पोस्ट है। महानिदेशक राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश योजना भवन लखनऊ पांच पोस्ट है यहाँ पे। महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक पोस्ट है। नेक्स्ट देख लेंगे सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक सीट है। प्रबंध निदेशक यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में चार सीटें हैं। नियंत्रक विधि माप विज्ञान उत्तर प्रदेश में जो है एक सीट है। निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ में दो सीट है। सचिव उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग में दो सीट हैं। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर में 13 सीट है और अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक सीट है। अध्यक्ष एवं प्रशासक शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन परियोजना लखनऊ में 6 सीट्स हैं। अब आती है बात कि किस तरह से हम वरीयता दें। तो देखिए, जहाँ पे एक और दो सीट्स हैं वहाँ पर वरीयता देने का बहुत ज़्यादा कोई आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, पहला जो है आपका प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। अब देखिए, इन्हीं दो जगहों पर जो फर्स्ट और सेकेंड है, इन्हीं दो जगहों पर जो है सीट्स जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। इन दो जगहों पे जो है सीट्स ज़्यादा हैं। तो लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर मेरी अगर आपको सुननी है तो मेरे अकॉर्डिंग जो है सेकंड नंबर जो है आपका निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर राजकीय पॉलिटेक्निक चुकी है ये। और आपको मैं ये बता दूँ कि अगर शिक्षा विभाग है ये पॉलिटेक्निक है तो आप जान सकते हैं यहाँ पर जो है स्टेनोग्राफर जो है जो भी आएगा तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग होते हैं। बाकी अगर टीचर्स को छोड़ दिया जाए तो प्रिंसिपल के साथ ये जो है पद आपको दिखेगा एक तरह से कनेक्ट होता हुआ। तो प्रिंसिपल के नीचे आपको रहना है तो हर मायने में ये पद जो है बहुत ही ज़्यादा सही होता है। और यहाँ पर जो है आप ऊपर भी देख सकते हो कि जैसे कमाई का भी जो है अच्छा ज़रिया होता है ये पोस्ट। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सेकंड नंबर को मैं देना चाहूँगी पहली वरीयता मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि नहीं, जहाँ सीट्स ज़्यादा हैं, देखो पहली बात तो बहुत से बच्चे बहुत तरीके से सोचते हैं। कुछ लोगों का सोचना ये होता है कि जहाँ सीट्स अधिक हैं उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे दें अपनी, तो वो भी सही है, अपनी जगह पर कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यहाँ पर इतना माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीट्स ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड और फर्स्ट में ही मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट और सेकंड पोस्ट डालेंगे अपनी। तो मेरे अकॉर्डिंग सेकंड को मैं दूंगी फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद से आप देख लेना आपका जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को मैं दूंगी यहाँ पे सेकंड नंबर। इसके बाद से अगर देना होगा तो मैं दूंगी यहाँ पे थर्ड नंबर। मेरे अकॉर्डिंग अगर थर्ड नंबर देना होगा तो मैं देना चाहूँगी सातवें नंबर को सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, तो सातवें नंबर को जो है मैं देना चाहूँगी तीसरे नंबर पे। उसके बाद से जो है आप पाँचवें नंबर को मेरे अकॉर्डिंग आप देना चौथे नंबर पे। ठीक है, जो आपका फिफ्थ नंबर है जहाँ पे पांच सीट है इसको आप दे देना फोर्थ नंबर पे। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर की तो यहाँ पे मैं देना चाहूँगी छठवें पोजिशन को। ठीक है, तो फिफ्थ पे मैं देना चाहूँगी सिक्स्थ वाले नंबर को। सिक्स नंबर को आप दे लेना जो है फिफ्थ नंबर, यानी कि पांचवा महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश। अब फिफ्थ के बाद से जो भी सीट्स जहाँ भी ज़्यादा हैं आप उस अकॉर्डिंग दे सकते हो। जैसे कि अगर देना है छठा नंबर तो छठा नंबर मैं दूंगी श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर जो है यहाँ पे दे सकते हैं आप सिक्स नंबर इसको। ठीक है, इसके बाद से सीट कहाँ पे ज़्यादा है देखो यहाँ पे है क्या कहते हैं आपका अध्यक्ष एवं प्रशासक शारदा, तो यहाँ पे आप दे सकते हो इसको सेवन नंबर। इसके बाद से आप जिसको भी देना चाहो एट नाइन टेन दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद से जो है आप किसी भी पद को जो है बाकी आगे जो है डाल सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
पांच पोस्ट जो है आप अपने अकॉर्डिंग अपने पसंद के डालना, उसके बाद से बाकी के जो नीचे के पद हैं आप उनको उस तरह से डाल सकते हो, उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ही आपको देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, उसी अकॉर्डिंग जो है आप अपने जो है पोस्ट प्रेफरेंस डाल देंगे। तो आई होप गाइस कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।